हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। अगर हम यूएस के सामने दो ऑप्शंस रखेंगे, एक शांति का और दूसरा वॉर का, तो आप ये मान के चलिए कि यूएस 100% वॉर वाला ऑप्शन को ही चुनेगा, क्योंकि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि जब भी यूएस किसी भी देश के साथ अपने करीबी को बढ़ाता है तो उसका जो प्राइम एजेंडा होता है वो होता है हथियार बेचना। और उसके बाद आप ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 10 सालों का यूएस का बिहेवियर को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यूएसए एक तरफ तो शांति एंड प्रोस्पेरिटी की बातें करता है, लेकिन वही दूसरी तरफ बढ़ चढ़कर हथियार भी बेचता है। अब जो देश इतना बढ़ चढ़कर हथियार बेचेगा, अगर वो किसी भी तरीके से शांति और प्रोस्पेरिटी की बातें करेगा तो वो अपने ही बातों को काट रहा है। भारत में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसराइल भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो एक बात मैं बहुत ही साफ कर दूं कि इसराइल, यूएस या कोई और भी देश आपका दोस्त नहीं होता है। अगर वो आपके नजदीक बैठा रहेगा तो सबसे पहला अटैक वो आपके ऊपर ही करेगा। और आज के डेट में जिस तरीके से इसराइल पैलेस्टीन का जमीन को हड़प रहा, पॉसिबिलिटीज ये भी होता कि अगर किसी भी तरीके से वो भारत के बगल में बैठा होता तो ये अटेम्प्ट वो भारत के साथ भी करता। आप इस बात को बखूबी समझ जाएंगे अगर आप जियोपॉलिटिकल न्यूज को पढ़ना शुरू करते हैं तब। और जहां तक बात किया जाए गजा के बारे में, तो अब तक जो रिपोर्टेड डेथ है उसमें लगभग 40,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 80% जो है वो औरतें और बच्चे हैं। और इसराइल कहीं पे भी अगर अटैक करता है या बम मारता है तो सीधे वो कह देता है कि वो हमास का एक हाइड आउट था और वो बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उस जगह को टारगेट किया है। और जिस तरीके से इसराइल गजा में अटैक कर रहा, अगर इस अटैक का कोई भी देश 1% अटैक करता किसी और के ऊपर, यानी कि वैसा देश जिनके संबंध यूएसए के साथ अच्छे नहीं है, तो उस देश को कंप्लीट तरीके से ग्लोबल बॉयकॉट का सामना करना पड़ता और उसके ऊपर इतना ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए जाते कि कभी वो देश रिकवर ही नहीं कर पाता। हमारे दिमाग में ये बिठाया गया है कि ईरान बहुत ही खराब देश है या रशिया बहुत ही खराब देश है, लेकिन कोई ये तो बताया कि अगर रशिया जो कर रहा है यूक्रेन के साथ अगर वो गलत है, तो यूएस जिस तरीके से इसराइल के मदद से गजा में अटैक करवा रहा है, इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। और उसके बाद अगर आप स्पेसिफिकली इसराइल और यूएस के रिलेशन को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से यूएस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, यानी कि टोटल 535 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, किस हिसाब से इसराइल को सपोर्ट करते हैं और इसके द्वारा जो जेनोसाइड किया जा रहा है उसको भी सपोर्ट करते हैं, चाहे सरकार रिपब्लिकन पार्टी की रहे या डेमोक्रेटिक पार्टी की रहे। एक बात आप मान के चलिए कि इसराइल को जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट आगे भी मिलने वाला है। बहुत हद तक जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली नहीं चली थी तो डोनाल्ड ट्रंप के जो सुर थे वो कुछ अलग थे या थोड़े से अनफ्रेंडली थे बेंजामिन नेतन्याहू को लेके, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप को ये महसूस हुआ कि वो इस चुनाव को जीत जाएंगे, तब से उनके जो सुर है वो बहुत हद तक सपोर्टिव है, खास करके बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। जो रिसेंट अनाउंसमेंट किया गया है यूएसए के द्वारा, वो 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का मिलिट्री एड है, जिसमें से कुछ सामान जो है वो इमीडिएटली मिलेगा इजरायली आर्मीज को और कुछ ऐसे हैं जिसमें कि कुछ वक्त लगेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहीं पे भी अगर वॉर होता है तो उस वॉर का जो बेनिफिट होता है वो यूएस के वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को होता है। F-15 जो फाइटर जेट बनाया जाता है वो बोइंग के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ से भी आप समझिए कि अगर भारत का कोई भी कंपनी बढ़ चढ़कर अगर वेपन्स बनाता या इनफैक्ट कोई भी चीज बनाता है तो उस चीज में टैक्स वगैरह लगते हैं और वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। तो अगर हम ये बात कहें कि वॉर करवा के यूएस की इकोनॉमी चलती है और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो हम गलत नहीं रहेंगे। और उसके बाद अगर आपको जेन्युइनली इसराइल और पैलेस्टीन का मसला समझना है तो ऐसा मुझे लगता है कि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी को सुनेंगे तो ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि वीडियो बनाने वाला वो किसी को अपने हिसाब से सपोर्ट कर रहा। जो मैं समझ पाया हूं इसराइल और पैलेस्टीन के मसले को लेके वो ये है कि कंप्लीट तरीके से यूएस का इसमें मेजर इन्वॉल्वमेंट है और जितने भी जो बेकसूर लोग मारे जा रहे, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो चाहे वो गजा में हो, इसके लिए इसराइल कम रिस्पॉन्सिबल है और यूएस सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद एक बहुत ही हीनियस क्राइम किया गया है वेस्ट बैंक में, जहां पे लगभग 100 या उससे भी अधिक जो इजरायली सेटलर्स होते हैं वो वेस्ट बैंक के तरफ जाते हैं और वहां पे रह रहे जो पैलेस्टीनियंस थे उनके घर के बाहर जो गाड़ियां पार्क थी उसमें आग लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि और भी जो आग होता है वो उनके घर तक फैल जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक 23 साल का जो पैलेस्टीनियन था उसका जान चला गया। अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को अपने पे लेके देखेंगे तो आप एक सिचुएशन को अज्यूम कीजिए जहां पे आपके घर के तरफ 100 या उससे भी अधिक लोग आ रहे हैं और आपके घर के सामने जो गाड़ियां वगैरह पार्क है उसको वो टारगेट कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन अपने आप में कितना ही भयानक रहेगा, इसको आप सोच के भी डर जाएंगे। और जहां तक बात किया जाए तो ये सब कोई फेनोमेना है, वो कोई एक या दो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इसराइल के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इस चीज को भी आप एक दूसरे एंगल से रह के सोचिए कि अगर किसी भी
देश के लोग इतने वायलेंट हो जाएंगे तो उस चीज का जो असर है वो आपके सोसाइटी में भी दिखेगा। भले आज के डेट में इसराइल को यूएस इनडेफिनेट तरीके से सपोर्ट कर रहा, लेकिन जब आप इन सब आर्टिकल्स को खुद से पढ़ेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर सबसे अधिक लोग अगर टारगेटेड तरीके से मरे हैं या मारे गए हैं तो वो इसी अटैक में मारे गए। पॉसिबली इस लड़के का जान गया है उस अटैक में। मैं इस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट नो लाइक टू रीड दिस अरेबिक, बट जिस तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया गया है ये पढ़ के भी अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है। और ये जो प्रिविलेज है ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल को ही मिला है। तो अगली बार जब हमारे दिमाग में ये विचार आएगा कि भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं इसराइल, तो आप इन सब इंसिडेंट्स को भी एक बार दिमाग में रिकॉल कीजिएगा। और साथ में जैसा कि हम सभी को पता है कि जो नैरेटिव होता है या माहौल जो बनाया जाता है वो स्ट्रॉन्गर देश के द्वारा ही बनाया जाता है। लेबनान और इसराइल का बॉर्डर लगता है और लेबनान में एक आर्म्ड ग्रुप है जिसका नाम हिजबुल्ला है, जिसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ मीडिया आउटलेट उसको एज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। रिसेंटली उनके द्वारा एक वीडियो रिलीज किया गया लगभग 4 मिनट के आसपास का, जहां पे हिजबुल्ला दिखाता है कि वो किस तरीके से टनल्स वगैरह को बनाया है और कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से उस टनल के अंदर जाने आने का सुविधा है, और साथ में इनके पास कौन कौन से वेपन्स है उसको भी ये डिस्क्लोज किया गया है इस वीडियो में। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से यूएसए, इसराइल, साथ में बहुत हद तक जर्मनी इन सब वॉर को वो प्रमोट कर रहा, तो इसका जो असर है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं रहेगा बल्कि इसका असर और भी फैल सकता है। एग्जैक्टली ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि कब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और वहीं पे बात किया जाए तो जब 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पे अटैक किया था तो अपने साथ लगभग 250 लोगों को बंदी बना के वो ले गए थे, तो उसमें से कुछ तो मारे जा चुके हैं लेकिन कुछ अभी भी जिंदा हैं, जिनको छुड़ाने के लिए प्राइमरीली आपका दोहा में यानी कि जो कतर का कैपिटल है वहां पे हमास, ईरान और भी जो इसमें पार्टीज हैं उनके साथ मीटिंग्स हो रहे हैं और कोशिश किया जा रहा कि जो हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़ाया जाए और किस तरीके से गजा में सीज फायर कराया जाए। और वहीं पे अगर बात किया जाए इस अटैक के बारे में तो इस अटैक के बाद मैसिव क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है इसराइल के लिए, लेकिन जो चीज मुझे समझ में आया है पर्सनली वो ये है कि 2-3 रोज के बाद इस न्यूज को कोई दूसरा न्यूज आकर रिप्लेस कर देगा और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अभी कोई ऐसा देश नहीं है जो यूएसए के ऊपर इतना ह्यूज इंपैक्ट बना पाए कि वो इसराइल को ये बोले कि आप उसको वेपन्स ना दें। अगर यही काम किसी भी तरीके से रशिया कर दे तो उसको इस तरीके से दिखाया जाएगा जैसे कि रशिया एक ग्लोबल थ्रेट है। तो कहने का मतलब है कि जब आप जियोपॉलिटिकल न्यूज को खुद से पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आप एक स्ट्रॉन्गर देश है तो आप 100 खून करके भी आपको माफी मिल जाएगा, और अगर आप एक वीकर देश हैं तो आपके खांसने पे भी आप एक ग्लोबल थ्रेट बन जाएंगे। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।